क्योंकि दूध रहेगा तो घी नहीं रहेगा और घी रहेगा तो दूध नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी दूध में भी घी रहता है और बाद में वह ऊपर भी घी रहता है और उसको नीचे रहना पड़ता है। ये साधना का एक फल है। जब दूध तपाने आ जाता है तब घी निकलता है, नहीं तो उसी दूध में तृप्ति का अनुभव कर लो। हाँ, ये बात अलग है, दूध कुशलता पूर्वक लोकप्रियता हासिल की है, सब लोग उसको चाहते हैं, छोटा बच्चा भी दूध चाहिए, जवान भी दूध चाहिए, पहलवान भी कहता दूध चाहिए, नहीं समझे, और वृद्ध भी कहता भले ही पानी मिला दो दूध चाहिए, नहीं। हाँ, किंतु जो गुण घृत में है वह और किसी में नहीं, क्योंकि घृत घी कहता है मैं सबको प्रकाश देता हूँ। देखो, यहाँ पर भगवान की पूजा होती है तो दीपक दूध का नहीं, काहे के जला रहे बताओ, घी का। इसलिए पूज की पूजा दूध की अपेक्षा घी से हुआ करती है, जिससे वह प्रकाश प्रदान कर देता है। आप लोग इन रहस्यों को सुन करके समझ करके केवल दूध में ही मगन मत रहो, किंतु कोई व्यक्ति के पास मिल करके भैया इसका दूसरा भी और कोई उपाय है? हाँ है। आप लोग दूध और घी के संवाद को भूलना नहीं है, नहीं समझे, और किसी के सामने जाकर के अपना बड़प्पन का प्रदर्शन नहीं करा। अहिंसा परमो धर्म।